नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निराली मोदी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पर्श स्किन क्लिनिक, जहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी की, स्पेशली अबाउट योर स्किन, हेयर एंड नेल। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स अ वेरी वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो अबाउट लेसर हेयर रिमूवल। सो आज हम जानेंगे लेसर हेयर रिमूवल होता क्या है, उसके फायदे क्या है, कुछ साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और वो किसे करवाना चाहिए, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका बजट क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का सेशन रहेगा लेसर हेयर रिमूवल के बारे में। अपने अनचाहे बालों से परेशान होते हैं और कितनी ही बार वैक्सिंग या थ्रेडिंग करवानी पड़ती है, तो कभी ना कभी दिमाग में ख्याल आता ही है कि लेसर करवा लें। आज हम आपकी के दिए हुए कॉमन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज लेसर हेयर रिमूवल? सी, बेसिकली इट्स अ फिजिक्स। जो लेसर एनर्जी होती है, इट्स अ लाइट एनर्जी, उसको हम बालों की जड़ों के ऊपर जो मेलानिन रहता है उसके ऊपर टारगेट करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। इवेंचुअली आफ्टर मल्टीपल सेशंस बालों की रीजनरेटिव कैपेसिटी ही चली जाती है, तो इसीलिए इसको लेसर हेयर रिडक्शन बोलते हैं, ना कि परमानेंट रिमूवल। सो व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी लेसर हेयर रिडक्शन के लिए? अभी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट इज डायोड 810 लेसर। काफ़ी अपकमिंग टेक्नोलॉजी में ट्रिपल वेवलेंथ लेसर्स भी यूज़ करते हैं। हु इज़ द आइडियल कैंडिडेट? कौन करवा सकता है? सो एनीबॉडी कैन अंडरगो लेसर हेयर रिडक्शन, बट येस, एज अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, जिनकी वाइट स्किन होती है अलॉन्ग विथ डार्क हेयर, दे आर दी बेस्ट कैंडिडेट्स। इसीलिए आपके अगर अंडर आर्म्स में, बिकिनी लाइन में, या फिर अगर आपको फेस पे काफ़ी थिक एंड ब्लैक हेयर है, यू शुड डेफिनेटली अंडरगो लेसर हेयर रिडक्शन। जिनको हेयर पे सिर्फ रुआटी होती है, छोटे छोटे वेलस हेयर होते हैं, उन पे लेसर इतना इफेक्टिव नहीं होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्रोसीजर? उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री प्रोसीजर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर। सो द प्री प्रोसीजर थिंग इज के आपको बिल्कुल भी वैक्सिंग, थ्रेडिंग या ब्लीचिंग नहीं करना है, जितने हो सके उतने बालों को उगाना है। आप शेविंग कर सकते हो ऑफकोर्स। द नेक्स्ट थिंग इज, आपको प्रोसीजर से पहले शेविंग होगा, फिर ऑल थ्रू आउट द प्रोसीजर यू हैव टू वेयर फोटो प्रोटेक्टिव ग्लासेस, वो आपको चश्मा पहनाएंगे, और आपको ध्यान रखना है कि आप लेसर लाइट को ना देखें, वो आपकी आंखों के लिए हानिकारक होता है। सरफेस मार्किंग होता है एंड ठीक है। सो दिस इज द प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसीजर द डॉक्टर विल अप्लाई जेल, एंड जेल से क्या होगा कि आपको सूदिंग भी मिलेगा और लाइट अच्छे से रूट्स तक पहुंच पाएगी। जेल लगाने के बाद जो प्रोब होता है उससे हम लेसर करें। अभी वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज अ स्टैम्प मेथड, जहाँ पे छोटे बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे वी जस्ट पुट द प्रोब एंड गिव शॉट। एंड दूसरा है कंटिन्यूअस मेथड, जो बड़े बॉडी एरियाज होते हैं वहाँ पे कंटिन्यूअसली 4 सेकंड में 4 से 5 शॉट्स जाते हैं। एक सेशन के लिए कितना टाइम लगता है? अगर अंडर आर्म्स का एक सेटिंग कर रहे हो तो हार्डली उसका टाइम लगता है 10 मिनट, अपर लिप्स का भी 10 मिनट। फुल बॉडी लेसर करवाने के लिए फास्ट हेयर टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें अप्रॉक्स 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। लेसर तो हो गया, अभी आपका जेल रिमूव करेंगे, फिर आपका वो पार्ट क्लीन करेंगे, और उसके बाद आपको उसके ऊपर सूदिंग क्रीम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट, बार बार वैक्सीन नहीं करवाना पड़ेगा। सेकेंड, इनग्रोन बाल को भी ये टारगेट करता है। एंड द थर्ड, अंडर आर्म्स की अनइवन स्किन टोन को भी नॉर्मल करता है। फायदे ही फायदे हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स? मेरे क्लिनिक में आज तक मैंने एक भी पेशेंट को साइड इफेक्ट होते हुए नहीं देखी है। बट येस, काफ़ी लोग का सेंसिटिव होते हैं तो उनको इचिंग या रैश हो सकता है, तो आपको जब तक इचिंग या रैश रहता है आपको सूदिंग क्रीम के साथ साथ डॉक्टर एक स्टेरॉयड क्रीम भी प्रिस्क्राइब करेंगे। इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद आपको लगा ही देना है अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो, और उसके बाद 2 या 3 दिन तक आपको जब तक ज़रूरत लगे आप उसको लगा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज बर्न्स। लेसर लाइट है, अगर रूट्स को जला सकती है तो स्किन को भी जला सकती है, तो फिर स्किन क्यों नहीं जलती?
अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ का वीडियो, 30 सेकेंड्स के अंदर उसके प्रोब के ऊपर बर्फ जम जाती है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिस डॉक्टर के पास आप करवा रहे हो उनके प्रोब की कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, और वो कूलिंग सरफेस कूलिंग करता है, इसीलिए लेसर की लाइट सीधे की सीधी अंदर पेनिट्रेट होती है। और दूसरा, अच्छे से स्किन शेविंग किया हुआ है तो बर्न्स के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। नंबर थर्ड इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। अगर किसी को बर्न्स हुआ है तो वो इवेंचुअली फिर वो काला दाग बनाएगा ही, तो उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। अगर आपको बर्न्स या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको क्रीम प्रिस्क्राइब कर देंगे। नाउ वेरी वेरी रेयर साइड इफेक्ट्स इस हाईटेक टेक्नोलॉजी के ज़माने में कभी नहीं होती है, बट जस्ट टू मेंशन, वन इज एंजियोडिमा। किसी लोग को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है तो उनको होंठ सूज जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या फिर वेजोवेगल शॉक भी हो सकता है। सो अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है, ऐसा एपिसोड पहले हो चुका है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और पैच टेस्ट करते हैं। यहाँ पर वी गिव सिंगल शॉट ओवर हियर, 48 आवर्स के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप लेसर करवा सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने सेशंस चाहिए या फिर क्या सारे बाल निकल जाएंगे? इसका आंसर है नहीं, सारे बाल कभी नहीं निकलते हैं। हेयर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पर उसमें होते हैं बेबी हेयर, एडल्ट हेयर एंड ओल्ड एज हेयर। लेसर एनर्जी एडल्ट हेयर के ऊपर ही असर करती है और उसकी जड़ों को नष्ट कर देती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो बिना जड़ों वाला शाफ्ट है वो बाहर आने लगता है और वो अपने आप ही बाहर गिर जाता है। तो इसीलिए 10 दिन के अंदर आपको बाल फिर से उगे हुए दिखने को मिलेंगे, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप गिर जाएगा। अभी दूसरे जो बेबी हेयर है वो धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे और वो जब एडल्ट हो जाएंगे तब हमारा सेकेंड सिटिंग का टाइम आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके जैसे ही सिटिंग्स आगे बढ़ती है ये टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सिटिंग तक हमको हेयर डेंसिटी कम होती हुई दिखती है और ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। 8 से 10 सिटिंग के बाद अप्रॉक्स 80-90% हेयर चले जाते हैं और उसके बाद आपको मेंटेनेंस सेशंस के लिए हम बुलाते हैं। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बजट कितना? बजट डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। फर्स्ट, कौन सी टेक्नोलॉजी से हो रहा है, दूसरा आप कौन से बॉडी पार्ट पे करवा रहे हो, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप कौन से सिटी में करवा रहे हो। प्लेस टू प्लेस चार्जेस वेरी अ लॉट। सो अपर लिप्स का सेशन मिनिमम 500-1000 से लेके फुल बॉडी सेशंस कॉस्ट अराउंड 20-25,000 which is by a standard machine। अगर आप afford कर सकते हो तो go for packages, उसमें आपको काफ़ी affordable rates में lifetime वाले sessions भी मिल जाते हैं। और अगर आप afford नहीं कर पाते हो या फिर आप सिर्फ एक single trial लेना चाहते हो तो then you can go for single settings। क्या male भी करवा सकते हैं laser? जी हाँ, बहुत सारे मेल अपने बियर्ड शेपिंग के लिए, चेस्ट हेयर के लिए या चेस्ट एंड बैक और हाथ के हेयर के लिए भी करवाते हैं, एंड रिजल्ट क्वालिटी मेल के अंदर ज़्यादा अच्छी आती है। लास्टली, काफ़ी सारे मिसबिलीव्स हैं सोसाइटी में लेसर के रिगार्डिंग, तो उसको मैं डेफिनेटली तोड़ना चाहूँगी। उसमें फर्स्ट इज, लेसर से कैंसर होता है? नहीं, लेसर से बाल और बड़े हो जाते हैं? नहीं, लेसर करने के बाद चमड़ी काली हो जाती है? नहीं, लेसर से प्रेगनेंसी में डैमेज होता है? नहीं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप हमारे यहाँ कंसल्ट करना चाहते हो, लेसर करवाना चाहते हो, तो देर इज अ कॉन्टैक्ट नंबर गिवन बिलो एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।